आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 1, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ मिस्टर मिसिज फ्रॉम्फरी वरीड अबाउट अ ट्रिकी. जी मिसिज फ्रॉम्फरी सी और ट्रिकी बारे चिंतित क्यों सी. आंसर इज मिसिज फ्रॉम्फरी इज़ वरीड एंड डिस्ट्रॉट. जी मिसिज फ्रॉम्फरी सी बहुत ज़्यादा कहते चिंतित सी उदास सी क्योंकि ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग क्योंकि ट्रिकी जरा कुछ नहीं खा रहा सी. ही ईवन इज़ नॉट रेडी टू ईट हिज फेवरेट डिशिज. ना तो वह तैयार सी अपन फेवरेट डिशिज खाने के लिए. ट्रिकी हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. टिक्की जिहड़ा सी ओह बार बार वॉमिटिंग कर रहा सी एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग अते दरी ते पिया रहिंदा सी हमेशा एंड पेंटिंग ते उहदे उत्ते ही मतलब कि वॉमिटिंग वगैरह कर रहा सी. टिक्की डज नॉट ईवन वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स टू डू एनीथिंग. टिक्की ईवन के बाहर जाना भी उहनू पसंद नहीं सी वॉक्स वगैरह ते जां कुछ करना भी नहीं पसंद सी उहनू. सेकेंड क्वेश्चन वट डज शी डू टू हैल्प हिम. इज शी वाइस इन दिस. कहते जी मिसिज फ्रॉम्फरी सी कि उन्हें की किया हैल्प करने के लिए ट्रिकी की हैल्प करने के लिए. इज शी वाइस इन दिस कि उन्हें समझदारी वाला काम किया करके. आंसर इज शी कॉल्स अ डॉक्टर टू हैल्प. उन्हें डॉक्टर नू बुलाया सी ट्रिकी की हैल्प करने के लिए. यस सर डिसीजन इज़ वाइस. हाँ कहते डिसीजन बिल्कुल सही सी सियाणप वाला सीगा. द डॉक्टर सुजेस्ट दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज. ट्रिकी ने जिहड़ा डॉक्टर सीगा उन्हें ट्रिकी नू सुजेस्ट किया सी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए वा. शी गैट्स अपसैट्स एंड वेल्स. वो बहुत ज़्यादा अपसैट हो गई सी उदास हो गई सी. बट लैट द डॉग गो विद द डॉक्टर. पर फिर भी उन्हें डॉक्टर दे नाल जिहड़ा डॉग सी उन्हें जान दिता. थर्ड क्वेश्चन इज Who does I refer to the story? कहिंदे आई दा की मतलब आई की नू किया गया स्टोरी दे विच. आंसर इज आई स्टोरी आई रैफर टू आ वैनिटरी सर्जन. कहिंदे आई दा मतलब आ वैनिटरी सर्जन आ जिहदा नाम हैगा मिस्टर हैरट. नेक्स्ट वी हैव अ लोंग क्वेश्चनस. क्वेश्चन नंबर 1 इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्टर. जिहड़ा नरेटर सी नरेटर की नू किया गया मिस्टर हैरट नू किया गया जिहड़ा कि एक वैनिटरी सर्जन आ. कहिंदे वो ट्रिकी दी मिस्ट्रेस दे वांगू मालकन दे वांगू ही इन्ना अमीर सीगा दो नॉट. कहिंदे क्लीयरली स्टेटड. कहिंदे नहीं बिल्कुल नहीं ये तो साफ ही दिखाई देंदा. दे आर इंस्टांस इन द स्टोरी. इंस्टांस स्टोरी दे विचले हालातों तो सानू पता लगता. विच सुजैसट दैट नेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. कि जिहड़ा नेटर सीगा वह ट्रिकी दी मिस्ट्रेस दे वांगू अमीर नहीं सी. मिसिज फ्रॉम्फरी दे वांगू द नेटर इज़ एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद द वार्म लूज बॉक्स एज बैड वेयर एज मिसिज फ्रॉम्फरीज हाउस. कहते जो ट्रिकी नरेटर सीगा नरेटर इज़ एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद अ वार्म लूज बॉक्स दे विच जिवें उधर ही मतलब कि मिसिज फ्रॉम्फरी दे विच दे हाउस दे विच बैड वगैरह सी उस तरह उहदे को वो नहीं दे सकदा सी प्रोवाइड नहीं कर सकदा सी. ट्रिकी हैज़ अ डे बैड. ट्रिकी दा डे बैड अलग सी नाइट बैड अलग सी कुशन सी टॉय सी रबर रिंग सी ब्रेकफास्ट बॉल दिती जाती सी लंच बॉल अलग सी उहदी सपर बॉल अलग सीगी एंड अ होल वार्डरोब ऑफ ट्वीड कोट्स ते बहुत सोहणे उहदे कोल बहुत सोहणे सोहणे कोट्स वगैरह सी पाउण दे लिए एंड परहैप्स मैनी मोर थिंग्स. इस तों इलावा होर बहुत सारीआं चीज़ां सी. वैन ही अराइव्स टू टेक द डॉग विद हिम. जदों वो आया डॉग नू अपने नाल लैके जाण दे लिए मिसिज फ्रॉम्फरी हैज़ हर एंटायर स्टाफ. मिसिज फ्रॉम्फरी जिहड़ी सी अपने पूरे स्टाफ नाल आई एट अ डिस्पोजल टू ट्रांसफर ऑल ऑफ द ट्रिकीज बिलोंगिंग टू द डॉक्टर्स कार. ते सारीआं चीज़ां मतलब कि ट्रिकी दियाँ जिन्हिया भी चीज़ा सी डॉक्टर की कार दे विच रखण दे लिए. सैकेंडली ऑन हेयरिंग फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट ट्रिकीज ग्रेजुअल रिकवरी. कहिंदे दूजी जिहड़ी गल सीगी ऑन हेयरिंग जदों डॉक्टर ने दस्या सीगा ट्रिकी दी भी रिकवरी कदों तक होगी. मिसिज फ्रॉम्फरी सीन्स अलोंग 2 dozen eggs. उन्हूं 2 dozen egg दे के आई एट द टाइम अलोंग विद अ बॉटल ऑफ वाइन दे के आई ब्रांडी दी बॉटल दे के आई ऑल इन ऑर्डर टू हैल्प इन ट्रिकी स्पीड. तां जो जिहड़ी ट्रिकी दी रिकवरी आ मतलब कि ठीक हो जल्दी हो सके. फाइनली वैन शी कॉल्स अपॉन द नेटर टू टेक हर रिकवर डॉग बैक होम. तो जो जरा नेटर आ डॉग मतलब कि शी कॉल्स अपॉन वह बुला नेटर आ जरा वो मिसिज फ्रॉम्फरी बुला वा भी डॉग नू लैके जाए. शी कॉम्स इन अ चेयरफुल ड्राइवन 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मैटल. कहते वो की है एक मतलब कि एक बहुत वधिया कार लैके आँदी है उन्होंने लैके जाने के लिए. ऑल दिस इंस्टांस पॉइंट टू द फैक्ट दैट मिसिज फ्रॉम्फरी लिव्ड इन लग्जरीअस लाइफ. ये सारे पॉइंट्स से जोड़े जो भी हालात ने इन्हों तो पता लगता जी मिसिज फ्रॉम्फरी आ बहुत शानदार जिंदगी बतीत करती सी.
सैकेंड क्वेश्चन आ हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उन्हें डॉग नू किवें ट्रीट किया सी, किवें उदा मतलब कि उदा ट्रीटमेंट किदां किया सी, डॉक्टर दी गल कीती है मिस्टर हैरड दी। आंसर इज़ डॉक्टर न्यू दैट ट्रिकी वॉज नॉट इल, डॉक्टर जिहड़ा सी उन्हूं पता सी ट्रिकी इल नहीं हैगा, बट जस्ट ओवरवेट हो गया हो एंड रेस्टलैस ड्यू टू मिस्टर फ्रॉम फ्रीज ओवर इंडलजेंस इन टेकिंग हिज केयर, क्योंकि जिहड़ा मिस्टर मिसिज फ्रॉम फ्री सी वो जरूरत नाल ज़्यादा था, मतलब कि उहदी केयर कर रही सी, उन्हूं मूव नहीं करवा रही सी, वॉक ते नहीं लैके जाती सी, सो ही डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी फूड टू ट्रिकी, इस करके उन्हें डिसाइड किया सीगा कि उन्हूं फूड नहीं देगा हुण ट्रिकी नूं, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर टू डेज़, पर काफ़ी पानी पीन लई देगा। स्लोली द डॉग स्टार्टड शोइंग इंट्रस्ट इन हिज, हौली हौली जिहड़ा डॉग सी उन्हें अपने आले दुआले दीआं चीज़ां दे विच इंट्रस्ट दिखाउणा शुरू कीता एंड बिगम मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स इन अ सर्जरी, अते शुरू उन्हें की कीता मतलब कि जिहड़े बाकी होर डॉग सीगे उन्हां नाल मिक्सअप हो गया हो। ऑन द थर्ड डे दे विच डॉक्टर सा ट्रिकी लीकिंग द एप्टी सपर बॉल देख रहा वा, जिहड़ा ट्रिकी उह लीक कर रहा है सपर बॉल नूं एंड अदर डॉग्स ते दूजे डॉग भी ने उत्थे। नैक्सट डे सैपरेट बॉल वॉज कैप्ट फॉर हिम, अगले दिन उहदे लई इक होर बॉल रखी जाती है। डॉक्टर वॉज प्लीज टू नो, डॉक्टर ये देख के बहुत खुश होंदा दैट ट्रिकी हैड रन टू ईट हिज फूड विद एंथ्यूजाजम, जिहड़ा ट्रिकी आ अपना फूड लैण दे लई बड़े उत्साह नाल जा रहा वा, भज्जिया जा रहा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन तो शुरू हुंदा हिज प्रोग्रेस विल रैपिड, उहदी प्रोग्रेस बहुत तेजी नाल हुंदी है, रैपिड हुंदा तेजी नाल होना। He did not require any, उन्हें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की लोड़ नहीं होंगी एंड रिकवर्ड क्वाइट वैल एज द एंड, तो बहुत वधिया तरीके दे नाल एंड दे विच स्टोरी दे एंड दे विच रिकवर हो जाता। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ ही टैम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कहिंदे जिहड़ा नरेटर आ उह ट्रिकी नूं परमानेंट गेस्ट दे तौर ते क्यों रखना चाहुंदा आ। आंसर इज़ मिसिज फ्रम्फरी हैज़ स्टार्टड ब्रिंगिंग अराउंड नैक्सट टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, मिसिज फ्रम्फरी आ जिहड़ी हैड वो कहिंदी एग्ज़ लै के आउंदी आ तां जो जिहड़ी ट्रिकी आ उहदी हैस मतलब कि शक्ति आ बनी रहे, वधिया रहे उह लैटर ईवन बॉटल्स, ते उस तों बाद बॉटल्स नहीं वाइन दियां ब्रांडी दियां बिगेन टू अराइव लैके आउंदी आ। डोनेटर एंड हिज पार्टनरस, डोनेटर ते उहदे जिहड़े पार्टनरस ने स्टार्टड मतलब कि वह एग इंजॉय करते वाइन ब्रांडी मीट फॉर जिहड़े की आ ट्रिकी लई आउंदे आ। अकॉर्डिंग टू द नेटर, नेटर के अनुसार दोज वर द डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट, कहिंदे वो डेज ने जदों ट्रिकी उन्हां कोल हुंदा उहदे लई बहुत वधिया दिन हुंदे एंड हिज स्टाफ स्टार्टिंग विद द एक्सट्रा एग इन द मॉर्निंग, उहदा जिहड़ा सारा स्टाफ आ उहनूं मतलब कि एक्सट्रा एग मिलदे आ मॉर्निंग दे विच। दैन द मिडल डे वाइन, ते फिर उन्हां नूं की आ वाइन मिलदी आ। फाइनली फिनिशिंग ऑफ द डे विद द ब्रांडी, पूरे मतलब कि शाम के टाइम उन्होंने ब्रांडी मिलती है। दिस इज़ द रीज़न, इस करके ही रीज़न आ वाई द नेटर इज़ टैम्पटर टू, नेटर चाहता है जो कि ट्रिकी आनू परमानेंट गेस्ट के तौर पर रख लवे करी। फोर्थ क्वेश्चन वी हैव, वाई डज मिसिज फ्रम्फरी थिंक द डॉग इज़ रिकवरी इज़ द ट्रंप ऑफ सर्जरी, मिसिज फ्रम्फरी क्यों ये सोचती है डॉग की रिकवरी आ, रिकवरी हो जाती है डॉग ठीक हो जाता, क्यों वो सर्जरी की जित हुई है, ट्रंप हों जित। आंसर इज Mrs. Frumfree thinks that the dog's recovery is a trump of silk because in 2 weeks de vich hoya Tricky had recovered completely, Tricky puri tarah theek ho janda, had been transferred into a hard muscled animal jide muscle bahut acche ne idda da ban janda, matlab ke pura healthy ho janda ho. When Tricky saw her, jo Tricky nu dekhda, he leaped into her lap, te ohdi matlab ke godi chhlang laga denda, licked her face, ohda face lick karda, she was so excited, oh bahut zyada excited hundi hai, that tears started rolling out of her eyes, te jehde hanju ne ohdiyan akhaan de vich vagde ne. She declared Tricky's recovery as a trump of surgery, is karke oh kehndi hai jehdi Tricky di recovery aa ohnu ik matlab ke surgery di jit mandi aa, oh to express her apna jehda khushi hai zahir kardi hai and gratitude toward the doctor de प्रति। दीज आर यूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1।